आज शिवाजी महाराज इनकी जयंती, आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में महाराष्ट्र राज्य स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई है। शिवाजी महाराज बचपन से प्रतिभा के धनी थे। कई अवसर पर शिवाजी महाराज ने अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया था। माता जीजाबाई जी ने शिवाजी का पालन पोषण किया, साथ ही शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन भी किया। शिवाजी सभी कलाओं में माहिर थे। बचपन में ही शिवाजी ने युद्ध और राजनीति की विद्या हासिल कर ली थी। समय के साथ उनकी प्रतिभा में निखार आया। उस समय में भारतवर्ष पर मुगलों का शासन था। मराठा मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसके लिए मराठा और मुगलों के बीच कई बार भयंकर युद्ध हुए। बचपन से ही शिवाजी के हृदय में आज़ादी की लौ प्रज्वलित हो रही थी। केवल 10 वर्ष की आयु में 14 मई 1640 को शिवाजी का विवाह सईबाई निंबालकर से पुणे के लाल महल में हुआ था। शिवाजी ने अपने शासनकाल में उन सभी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया जो प्रदेशों के पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। उस समय महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज को राजा मानने से इनकार कर दिया और शिवाजी का विरोध किया। इसके बाद शिवाजी के मंत्री बालाजी ने ब्राह्मणों के विरोध की चुनौती मान ब्राह्मणों के हाथों शपथ ग्रहण दिलाने का प्रण किया। इसके बाद बालाजी ने गंगाम नामक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा। उस समय गंगाम ने बालाजी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, साथ ही क्षत्रिय प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी। किसी तरह बालाजी ने क्षत्रिय प्रमाण पत्र दिखाकर गंगाम को पुणे आने का निमंत्रण दिया, लेकिन जब दोबारा से जांच की गई तो गंगाम संतुष्ट नहीं हुए और राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया। अंत में किसी तरह गंगाम राज्याभिषेक करने को राजी हो गए, हालांकि ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया। राज्याभिषेक के 12 दिनों बाद उनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। इसके लिए 4 अक्टूबर 1674 को दोबारा राज्याभिषेक कराया गया। शिवाजी ने अपने शासनकाल में मैसूर, कोंकण, बेलगांव, वेलारी, त्रिशूर, धारवाड़, कोंढाणा तथा जीजी पर अधिकार किया। 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का निधन हो गया।